हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरेकल्स ऑफ राधाकृष्णा में। मैं हूँ आपकी दोस्त तनु कात्यायनी गुप्ता और एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का शॉर्ट वीडियो है एक पीसफुल मंत्रा, जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। पहले भी बताया है, बट अभी जब कोई मुझसे पूछता है ना, तो शॉर्ट वीडियो में मैं उसको आप लोगों को रिमाइंड करवा दूंगी सारे, कि आप क्या क्या करें जिससे आपको बेनिफिट्स मिले और उसको सिर्फ गुड रिजल्ट्स ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, चारों ओर से आपको लग रहा है कि नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, आप अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हो, हर चीज में आपको नेगेटिविटी दिख रही है, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है कि कुछ भी काम नहीं बन पा रहा, स्टेट ऑफ माइंड आपका भी हर वक्त नेगेटिव रहता है, आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उस दैट सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्लीम बिल्कुल चैंट नहीं करना। अगर आप करते हैं तो स्टॉप कर दीजिए। मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, क्लीम नहीं करना। आपको एक पॉजिटिव मंत्रा चैंट करना है और वो है ग्रीन तारा मंत्र, ओम तारे तू रे सोहा। अगर आप इस पीसफुल मंत्र को चैंट करेंगे अपनी नेगेटिव सिचुएशन में, जब आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी हो आ रही हो या आपके चारों ओर वो कहते हैं एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, तो उस वक्त आपको कोई भी मंत्र चैंट नहीं करना, ग्रीन तारा मंत्र चैंट करें। भगवान से प्रार्थना तो आप करिए ही, साथ में ग्रीन तारा मंत्र एक पीसफुल और मोस्ट पावरफुल मंत्र है। क्लीम मंत्र ये है कि जो आप सोचोगे वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक। आपको ग्रीन तारा मंत्र चैंट करना है। अगर आप क्लीम करते हैं तो फिलहाल के लिए तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, आप सिर्फ ग्रीन तारा मंत्र कहने रोजाना करिए चैंट, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जिसने पूछा है, मेरी पूरी कोशिश रही है कि उनका मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाई इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए कमेंट में, और मुझे कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं टॉपिक, तो वो भी आप बाय कमेंट मुझे बताइए, तो मैं उस वीडियो को उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलती हूँ न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।